अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी, ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने ना ख़त्म करवाना था कुरान खानी थी, और यहाँ पे मैं ना मसाला बना रही हूँ चनों के लिए, और साथ में मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे और सूजी भी मैंने ना रोस्ट कर ली हुई थी। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया हुआ है और मैंने फिर इसमें बॉईल चने डाल दिए थे। तो जी यहाँ पे मैं ना जी चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और साथ में मैंने पोटैटो जो है वो बॉयल आलू कर लिए हुए थे और उनको काट लिया हुआ था, और यहाँ पे आलू भी मैंने बीच में डाल दिए। कुछ आलू मैंने थोड़े से मैश करके डाले थे और कुछ मैंने ऐसे ही साबुत डाल दिए थे कटिंग करके। और जी वो ये बच्चे आ गए हुए थे, कुरान खानी वाले, कुरान पढ़ने वाले बच्चे आए थे, मस्जिद से बुलवाए थे हमने। तो जी यहाँ पे मैं अगरबत्तियाँ जो है वो जला रही हूँ ताकि उससे अच्छी अच्छी घर में खुशबू हो जाती है। और जी यहाँ पे ये कावा रेडी हो रहा जी। जो कावा वो रेडी हो रहा था वो हलवे का था, चाशनी रेडी हो रही थी, इसमें मैंने चीनी भी डाली थी और साथ में जी नारियल भी। और यहाँ पे जो है वो मैं ना कप यहाँ पे लगा रही हूँ, डिस्पोजेबल कप मैंने मंगवा लिए थे, वो मैं ट्रे में लगा रही हूँ चाय के लिए। और जी यहाँ पे जो हलवा वो रेडी हो रहा है और साथ में मैंने चाय का कावा भी रख दिया था। ये देखें जी, ये यहाँ पे चाय रेडी हो रही है, मैंने अब इसमें पत्ती डाली है, चीनी डाली है और पानी डाल दिया है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ولا بارك وسلم عليه اللهم صل وسلم دائما على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه لا العالمين يا رب العالمين جتنے بھی کلام تھے کے بعد پڑھیں اس کو تیری پاک بارگاہ میں تو قطر نظرہ نہ کرنے کی قطر محبت نظرانہ رحمت اللہ صاحب سلینا بیگم بازار بیگم حاجی محمد امین ارشد امین طارق امین پرویز صاحب فیاض اختر اور امینہ بیگم شوکت صاحب یہ جتنے بھی مرحوم الہی دنیا فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چلے گئے میرے مولا ان سب کی بخشش ہو آمین یا رب العالمین سب کی درجات آمین یا رب العالمین یا رب العالمین اسماء مقدس کے قصد تک ان سب کی بخشش ہو آمین الہی ان کی قبروں کو حد نگاہ کر خوشحال رکھ तो जी दुआ हो चुकी हुई थी और सुबह का टाइम था फिर नाश्ता सर्व करने का। यहाँ पे मैं चने जो है वो डाल रही हूँ बाउल के अंदर, साथ में जी हलवा भी डाल रहे हैं, हलवा भी रेडी है, चाय भी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे जी सब चीज़ें बस डाल डाल के हस्बैंड को दे रही हूँ ताकि वो आगे सर्व करें। और ये जी मैं दूसरे बाउल में चने डाल रही हूँ, नान मैंने मंगवा लिए थे, गर्म गर्म नान थे। और यहाँ पे जी ये बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं सब। तो जी आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, फॉलो भी किया करें, लाइक भी करें जी, और अपनी साथ में ना एंजॉय भी करें मेरे व्लॉग्स को। तो जी ये मैंने ना नेबर्स का बना दिया था हिस्सा और उनको दे के आना था, और यहाँ पे अब हम सब फैमिली वाले बैठ के खुद खा रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। तो जी फिर जब काम फिनिश हो गया था उसके बाद बर्तन वॉश करने की बारी थी, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह जी घर में बर्तन कितने हो जाते हैं, और यहाँ पे मैं बर्तन जो है वो सारे वॉश कर करके रख रही हूँ।
तो जी ये वो वाली बटरफ्लाइज हैं जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताई थी, अजमेरी वालों से मैंने मंगवाई थी और ये मैंने ना लगा ली हैं वॉल के ऊपर। काफ़ी अच्छी लग रही थी, आसानी से ये चिपक भी गई थी दीवार पे और बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छी इनकी लुक है, ये देखें ये एक डिज़ाइन सा बना लिया है, तो उसके मुताबिक जी मैंने ये ना 12 बटरफ्लाइज ये मैंने लगा ली हैं। तो जी फिर ये शाम का वक्त है, मैं फिर बाहर आ गई हुई थी, मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस कुछ ईद की शॉपिंग और कुछ रमज़ान की शॉपिंग वगैरह चल रही है। और यहाँ पे जी भूख लगी थी, फिर हमने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट पे जी समोसे खाए और साथ में जी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय की, बेटी को बर्गर लेके दिया था। तो जी ये मैंने ना बेटी को और खुद मैंने यहाँ से ये मिंट मार्गरीटा लिया था नसीर सोडे वाला कमर्शियल मार्केट में जी, उससे ये लिया था। और यहाँ पे जी ये प्रेपरेशन कर रहे थे तो फिर मैंने ना यहाँ पे वीडियो बना ली थी। इन्होंने पहले जग में आइस डाली थी, लेमन डाले थे, साथ में इन्होंने शुगर सिरप डाला था, ब्लैक सॉल्ट डाला था और फ्रेश मिंट इन्होंने डाला था, और साथ में इन्होंने 7 अप डाली थी। बड़ा मज़े का था जी इनका मिंट मार्गरीटा, और उसको अच्छी तरह से फिर इन्होंने शेक किया और ये देखें जी सर्विंग, और फिर इन्होंने ऊपर से दोबारा से थोड़ी थोड़ी 7 अप डाली थी, ये देखें। ये देखें जी ये यहाँ पे मिंट मार्गरीटा जो है वो इंजॉय हो रहा है जी। तो जी फिर बाज़ार से मैंने चीज़ें कुछ लेनी थी, तो यहाँ पे मैं कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें, कुछ घर की चीज़ें लेके, ये मैं अपने लिए लेके आई थी जी स्टैम्प वाला आईलाइनर लेके आई थी, और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है। और एक तरफ से इसकी स्टैम्प है और दूसरी तरफ से जी इसका पेंसिल की तरह आईलाइनर है। साथ में मिस रोज़ की बेस लेके आई हूँ, लिक्विड बेस है। और ये मैं अपने लिए मैट का जी लेके आई हूँ, लिप ग्लॉस सॉरी मैट की लिपस्टिक जो होती है वो लेके आई हूँ, और शॉकिंग कलर में साथ में अपने लिए काजल लेके आई हूँ, और ये मैंने मिस रोज़ का जी लिया है फेस पाउडर लिया है। ये मड मास्क है जी, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ सॉफ्ट टच वालों का, और राशिल वालों का मैं विटामिन सी सीरम लेके आई हूँ। ये जी काफ़ी अच्छा स्किन के लिए, इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, दिन में 2 दफ़ा इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें जी ये इसकी कांच की बॉटल है और ड्रॉपर है इसके अंदर, और इसकी स्मेल बड़े मज़े की है, जैसे फ्रेश ऑरेंज ऑरेंज होते हैं ना माल्टे, उनकी स्मेल होती है ना वो, वैसे ही इनकी। तो जी ये मेरी जी सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी, और साथ में मैं अपना कलर लेके आई हूँ, रेवलॉन का लाई हूँ मैं कलर 49 बरगंडी शेड में, साथ में घर के ये कॉटन बर्ग, और ये मैं एक बास्केट लेके आई थी स्पून्स वगैरह रखने के लिए, पानी की बॉटल्स लाई थी 150 की एक बॉटल मिली थी, और ये दोनों बास्केट्स मुझे 160 की वन मिली थी। और आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, आगे बॉक्सेस की कितनी ज़रूरत होती है, और स्ट्रेनर भी मेरा ख़राब हो गया था, न्यू स्ट्रेनर भी मैं लेके आई हूँ, बॉक्सेस के दो तीन वाले सेट लेके आई हूँ, और ग्लास घर के लिए ये लेके आई हूँ, ये वाले कोको कोला वाला डिज़ाइन इनके पास आया हुआ था, ये वाले मैं ग्लास लेके आई हूँ और टिश्यू का रोल लेके आई हूँ। तो जी यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया करें, और शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।